हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज्यादा चटपटा सा, कुरकुरा सा, करार सा नाश्ता, जिसे हम बनाएंगे बिना बेसन, बिना सूजी के। अगर आप बेसन और सूजी के नाश्ते खा खा के बोर हो चुके हैं तो एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करना। बहुत ही ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, लाइट वेट भी है और आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप को नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। एक पैन ले लिया, अब इसमें हम एक बड़ी ग्लास पानी डालेंगे और पानी को हम अच्छे से बॉईल होने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, जितना नमक खाते उतना डालना। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे सिर्फ 1/2 टीस्पून जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। इससे हमारा नाश्ता काफी ज्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब इसके बाद हम सारी चीजों को मिक्स कर देंगे और इसको हम बिल्कुल अच्छे से चीनी और नमक को मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो कम से कम 10 से 15 सेकंड आप इसको हाई फ्लेम पर उबालना। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 सेकंड हो चुके हैं इसे बॉईल होते हुए। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू जो हमने बॉईल करके लिए हैं। आलू को बॉईल करने के बाद फ्रिज में लगा देना ताकि ठंडे हो जाए, और यहाँ पे आलू को ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है। तो मेरा छोटा छोटा आलू है तो मैं इसे 2 ले रही हूँ, अगर आपका बड़ा आलू है तो आप सिर्फ 1 लेना। तो इसे हम इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट करके मिक्सी के जार में डाल देंगे और फिर हम आगे का काम करेंगे, ये देखिए। और अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच का अदरक, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अदरक को अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है, इससे बहुत ही रेसिपी में अच्छा टेक्सचर भी आएगा। 3 कलियां लहसुन की, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो बिना लहसुन के भी इसे बना सकते हैं। 2 ग्रीन चिली, अगर आप लोग ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ 1 डालना। अगर आप मेरी तरह स्पाइसी लवर है तो आप 2 डालेंगे तो मजा आ जाएगा खाके। और अब इसमें हम 3 दाने डालेंगे काली मिर्च के, जिसको ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा साबुत वाला, ये लुक बहुत प्यारा देगा और टेस्ट भी अच्छा देगा। अब बिना पानी डाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है बिना पानी डाले, बिल्कुल अच्छे से पीस जाता है क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है। और ये देखिए इस तरीके से ये हो गया है रेडी। अब इसे एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर करेंगे, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इसे पीसते हुए करना है, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से स्मूथली तरीके से आपको इसे पीसना है। अब देखिए ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे, जो नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ पचाने का काम करेगी। 1/4 चम्मच तक गर्म मसाला, जो मेरा होममेड है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप इस रेसिपी को देख सकते हैं और घर में गर्म मसाला तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 1 चम्मच तक हम चाट मसाला डालेंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफी ज्यादा चटपटा बनेगा। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई भी डाल सकते हैं डियर। 1/2 टीस्पून तक कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में और लुक भी प्यारा आएगा। अगर आपके पास कुटी वाली ना हो तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून इसीलिए डाला है क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली डाला है। अगर आपने ग्रीन चिली ना डाला हो तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा लेना। अब आपको ये पानी याद होगा जो हमने शुरुआत में बनाया था, इसको हम हल्का सा गुनगुना इसके अंदर ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम सारी चीजों को पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे लम्स को खत्म कर लेंगे। और यहाँ पे अब इसको हम कवर करके 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल आए। और इस तरह से आप बनाएंगे नाश्ता तो काफी ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा, हम आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक दूसरा काम करेंगे। एक पैन लिया है, ना इसमें घी डालेंगे, ना बटर डालेंगे, ना ही ऑयल डालेंगे, कुछ भी नहीं डालना है। पैन को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे चने की दाल, जिसको मैंने भिगोया नहीं है, बस 3 से 4 बार अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया ताकि जो धूल मिट्टी है वो निकल जाए। और यहाँ पे वेट नहीं, ये दाल हमारी मुश्किल से 5 ग्राम है और इस तरह से हमने डाल दिया। और इसी के साथ हम इसमें 1 बड़ा चम्मच डालेंगे मूंगफली, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीजों को ड्राई रोस्ट करेंगे, तो गैस का फ्लेम लो रखेंगे, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा ताकि ये जले ना, और इसको हमें कंटिन्यू चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनना है अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए दाल और मूंगफली बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल भी हमें कलर नहीं आने देना है इसके ऊपर, नहीं तो अच्छा लुक नहीं आएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली,
अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते तो आप सिर्फ आधी डालना। तो इस तरह से हम बीच से तोड़ कर डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें 1 इंच का अदरक डालेंगे जिसको अच्छे से वॉश करके छील लिया है। और यहाँ पे हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे, वो है सौंफ। 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर सौंफ जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और नाश्ते की खुशबू भी बहुत ही प्यारी आएगी। सौंफ डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम सारी चीज़ों को वापस से 10 से 15 सेकेंड अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से भूनने के बाद 1/4 चम्मच हम जीरा डालेंगे, क्योंकि जीरे को जलने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए हमने सबसे लास्ट में इसमें जीरा डाला है। और जीरे को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियां लहसुन की। तो यहाँ पे 3 कलियां लहसुन की काफी है और यहाँ पे हमें इसको ज्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ 1 से 2 सेकंड अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए, सारी चीजें हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है और कलर बिल्कुल भी नहीं आया है। दाल हमारी जली नहीं है, मूंगफली हमारी जली नहीं है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठंडा हो गया, हम इसे छू पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसे हम छोटे वाले मिक्सी के जार में ट्रांसफर करेंगे और अब इसमें हम नमक डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1/2 टीस्पून तक नमक गया और इसी के साथ हम इसमें 1/2 टीस्पून तक डालेंगे चाट मसाला और थोड़ा सा शुगर डालेंगे यानी चीनी, सिर्फ 1/4 चम्मच, ज्यादा नहीं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी डालेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए, 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया है, बस इतना काफी है। और यहाँ पे अब इसको हम बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको पीस लिया है, ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया था। देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इस तरीके से टेक्सचर आना चाहिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए कितनी स्मूथ तरीके से पिस गई है। और चलिए इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं फटाफट। आप चाहें तो इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। तो यहाँ पे तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, आप तड़का पैन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तक ऑयल, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है 1 साबुत खड़ी मिर्च, थोड़ी सी हींग चुटकी भर, और यहाँ पे मैंने लिया है सरसों के दाने, अगर आप चाहें तो राई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम इन तीनों चीजों को डाल देंगे और हल्का सा चटका लेंगे, बहुत ज्यादा काला नहीं करना है, तो 10 से 15 सेकंड ही चटकाना है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं इन्हीं 3 चीजों से तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, तड़का हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, काला नहीं करना है। अब इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, गर्मा गर्म तड़का हम ऐड कर देंगे और इस तड़के को लगाने के बाद जो आपकी चटनी है वो देखने में खूबसूरत लगेगी और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, तड़का लगाने के बाद इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आ गया है। और आप चाहें तो खड़ी लाल मिर्च डालें, ना चाहें तो मत डालें, ये देखिए। और आप इस चटनी को 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुका है इसे रेस्ट होते हुए और यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसका कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें आपस में मिल गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच हरा धनिया। अगर आप लोग इतना नहीं खाते तो आप इसको कम कर सकते हैं, मुझे हरा धनिया काफी ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट में डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह पे पुदीना भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको मैंने छांट के लिया है और नाप में ये 1 कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कुछ आपस में मिल जाए और अच्छा सा टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, जितना इसमें लिक्विड था उसी में ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे फ्लेवर बिल्कुल आपस में मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से ये गाढ़ा बैटर बनकर रेडी हो जाता है। और अब इसको हम वापस से 1 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सारे फ्लेवर को आपस में ले ले, यानी समा ले। और 1 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट हो चुका है, ये चेक करते हैं। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गया है, सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं। अब बिना टाइम को बर्बाद किए हम फटाफट नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड, आ गया गैस की तरफ, एक पैन लिया है, पैन में तेल रखा है, तेल को हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है। जो भी बर्तन लीजिए, कढ़ाई लीजिए, पैन लीजिए, लेकिन थोड़ा सा भारी वाला ही लीजिए, हल्का वाला मत लेना। तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करने के बाद हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तेल गर्म हो गया। अब इस तरह से हम साइड से लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे डालेंगे, बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे छोटे छोटे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैं छोटा छोटा बना रही हूँ। और ये फोड़ने के बाद थोड़े से बड़े अपने आप हो जाएंगे, ये देखिए, बिल्कुल आराम से। आप चाहें तो चम्मच से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे बनाते ही तुरंत चलाने नहीं लगना है, जब तक ये पक के ऊपर की तरफ ना आए तब तक आपको इसे टच नहीं करना है। तो देखिए, इस तरह से अपने आप ऊपर आने लगते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार में उतनी डालना जितनी कि पलटने में दिक्कत ना हो।
तो बहुत ज़्यादा पास पास मत डालना, इस तरह से आप डालना। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे 10 से 15 सेकंड में ये ऊपर की तरफ आने लगेगी, लेकिन अभी आपको इसे टच नहीं करना, आपको इसे एक मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, फिर इसके बाद हम इसे टच करेंगे। बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेंगी और बहुत ही अच्छा इसका लुक भी आता है और टेस्ट वो आप एक बार टेस्ट कर लेंगे तो बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट हो चुका है, कितनी अच्छी तरीके से फूल गई हैं और अब इसको हम टर्न कर लेंगे। बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेंगी और कितना प्यारा इसका लुक आता है कि सभी लोग आपसे इसे मांग मांग के खाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब आप इसे आराम से टर्न कर लीजिए और दूसरे साइड भी इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने दीजिए। तो बहुत ज़्यादा काला नहीं करना है लेकिन कच्चा भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी इसलिए बनती है क्योंकि इसके अंदर आलू पड़ा है। आलू किसी भी चीज़ को कुरकुरा बनाने में नंबर वन काम करता है, तो इसलिए आलू जरूर डालें। सिर्फ दो आलू डालेंगे, छोटे छोटे, अगर बड़ा है तो एक। तो यहाँ पे देखिए दो मिनट के बाद ये दूसरे साइड से भी अच्छे से डन हो गई है। यहाँ पे आपने देखा होगा जो हमने शुरुआत में से डाला था तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी सी लग रही थी, लेकिन अब ये फूलने के बाद इस तरह से अपने साइड में डबल हो गई है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से फूली है और सारी हमारी काफी ज्यादा फूली फूली सी बनती है। और अब इसको हम 10 सेकंड हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अब ये कुक हो चुकी है तो अब आप इसको आराम से चला सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार पलटिए। तो यहाँ पे देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से डन हो गई है और इस तरीके से हमारी बिल्कुल बलून जैसी तैयार हो चुकी है। अब इस तरह से हम थोड़ा सा रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वापस निकल जाए। और गेहूं के आटे का बहुत ही ज्यादा चटपटा सा नाश्ता तैयार हो गया जिसे आप लंबे समय तक स्टोर करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं और कम चीजों से तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला बैच रेडी हो चुका है। दोबारा बनाने के लिए हम तेल को फिर से गर्म करेंगे और साइड से बिल्कुल नन्ही नन्ही सी डालेंगे, ये देखिए, और ये अपने आप ऊपर आने की तरफ बेचैन हो जाती हैं, फटाफट अपने आप ऊपर आने लगती हैं। ये देखिए कितना कम डाल रही हूँ मैं, और आपको भी मोटी मोटी नहीं बनानी है, जितनी आप कम डालेंगे उतने अच्छे से फूलेगी और मजेदार बनेगी। ये देखिए फूलना शुरू हो जाती है अपने आप ही, बिल्कुल गुब्बारे की तरह बनती है। तो जो मैं टिप दे रही हूँ उसे जरूर फॉलो करना, आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है। देखिए कितने फूले फूले से बने हैं, बिल्कुल गुब्बारे जैसे। और यहाँ पे हमने कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है इसे बनाने के समय। ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए अच्छे से कुक हुआ है। और इस वाली चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। कैसी लगी आपको ये चटनी की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए सारे ही हमारे क्रिस्पी बने हैं और सारे ही हमारे फूले फूले हैं, ये देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह हर एक फूला है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए बिल्कुल हवा जैसे भरी होती है वैसे ही है। और इस वाली चटनी के साथ खाएंगे केचप वाली के साथ तब भी मजा आएगा और मेरी वाली चटनी बनाएंगे तो भी आपको मजा आएगा। अगर आपको केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो डियर एक लाइक जरूर देना और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ दिल खोल के इस रेसिपी को एंजॉय करना। बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है और आप इसे 10 से 15 दिन तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बैंड टेक केयर।